burning in me. All of the noise turned into. जैसे आप देख रहे हैं ये मिल्क क्लस्टर है, ये वैक्यूम प्रेशर से चलता है, 40% इसके अंदर वैक्यूम प्रेशर रहता है। ये आपको BMC है, बल्क मिल्क चिलर। जो भी आपको मिल्क प्रोड्यूस होता है वो आपको BMC में स्टोर होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज मेरा कॉलेज है, तो कॉलेज जाने के लिए सुबह सुबह 7 बजे उठ चुके हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो नहीं आज करने वाले हैं, लेकिन लंच कुछ ना कुछ बना के जाएंगे। और लंच का प्लान देखो, ऑमलेट और पराठा, अप्रॉक्स रेडी हो ही गया है, बस तवा पे डालना है। बाकी सब मैंने प्याज ये सब कट कर लिया। और किचन का हालात देखो, बिखरा पड़ा है पूरा का पूरा, बहुत गंदा हालात है। तो फटाफट बना लेते हैं ऑमलेट, उसके बाद पराठा बनाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग 2.5 घंटा तो है ही मेरे पास, तो इतने देर में अच्छे से सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है गाइस। तो ठीक है गाइस, पहले अपना लंच प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी होंगे। गाइस देख लो, पराठा भी रेडी, इधर ऑमलेट मैंने पैक कर दिया, अब फटाफट रेडी होना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। गाइस अब रेडी हो गए कॉलेज के लिए, और सबसे पहले एक जैकेट पहनूंगा क्योंकि ठंडा लगने वाला है, और उसके बाद जाऊंगा और कॉलेज जाके ये खोल लेंगे, क्योंकि ठंडा बाहर बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा से बच के रहना पड़ेगा। गाइस पहुँच गए थे कॉलेज और अब विजिट पर जा रहे हैं, और विजिट डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म का है। देख लो सारे लोग, ये देखो कैसे शर्मा दिए सब। बस से हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कब तक होगा, कहाँ है, कोई लोकेशन का पता नहीं है अभी तक। और जो हमारे क्लास के स्कॉलर हैं वो आगे आगे जा रहे हैं। देखो भाई कुछ भी मतलब हर जगह बेइज्जती करनी इसकी मतलब ठान रखी है। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। और ये अमन भाई हमारे ये ब्लॉगर साहब, देख लो ये हमारी बस लगी है, इसी में बैठना है, पता नहीं किसमें बैठना है, कुछ ही पता नहीं है, थोड़ा इंतजार करो तब बताऊंगा। गाइस जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और हम लोग का विजिट स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे काऊ और काफ ये सब थे मैंने जो दिखाया। और गाइस ये चारा देने वाला मशीन है। और गाइस यहाँ पे गोट्स आ रहे हैं, देखो ये वाला बहुत मार रहा है, जब भी आ रहा है तो देखो ये आ जा रहा है, देखो ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है गाइज। और देख लो यहाँ पे एक छोटा सा पाउंड है जिसके अंदर 20-25 डक होंगे। और यहाँ पर मैं अब बॉटम खाली रखते हैं, उसमें हमने शुरुआत में लाइमिंग की थी, देन काउटंग डाला था, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें फ्लाइटोप्लैंक्टोनिक ग्रोथ ये आपको फूड का काम करती हैं फिश के लिए, तो आपको सप्लीमेंट्री फीड कम डालना पड़ता है। ये अलग अलग तरह वैरायटी के पेड़ हैं जो जो कि ग्रीन फोडर में काम आएंगे। ये पुराना सर, हाँ जो नीचे की पट्टी है ना, ये सब में नैप पेड़ लगा हुआ है। एक उधर आगे की तरफ फील्ड है उसमें भी नैप पेड़ लगा रखा है, बाकी सब शुगर कैन लगा हुआ है। तो यहाँ वाला जो फार्म है इसमें हम मैक्सिमम शुगर कैन और ग्रीन फोडर के लिए यूज़ करते हैं। एक हमारा फार्म भीमा वाला विकास नगर में है, वहाँ पे हम पैडी एंड राजमा ग्रो करते हैं। अच्छा। और जी और थोड़ा उसमें हमारा मैंगो ऑर्चर्ड भी है,
गाइज अब हम लोग मिल्क पार्लर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे काउ का मतलब मशीन के थ्रू मिल्क निकाला जाता है। साथ में रोहित भी मन है और सब कुछ देख लिया बिल्कुल। अभी ट्रैक्टर देखना बाकी है। यहाँ पे बहुत सारा एंटीक पीस ट्रैक्टर रखा हुआ है, लगभग 30-40 रखे होंगे। तो पहले मैं मिल्क पार्लर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो गाइस वो अंदर आ गए। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मिल्क क्लस्टर है, ये वैक्यूम प्रेशर से चलता है। 40% इसके अंदर वैक्यूम प्रेशर रहता है। इनको हम काउज के एल्डर में ऐसे करके लगाते हैं और ये वैक्यूम प्रेशर से इसमें लग जाता है। और इसमें ये सर बता रहे थे पल्सेटर होता है जो ऐसे पल्स करता है और मिल्क ऐड करता है, ठीक है। तो जैसे ही काऊ का पूरा मिल्क ऐड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, मतलब कि आपको हटाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सेंसर है, जैसे ही पूरा मिल्क ऐड हो जाएगा ये वहाँ से हट जाएगा अपने आप से ऑटोमेटिक, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मिल्क होता है वो यहाँ से स्टोर होता है, इस टैंक में स्टोर होता है। उसके बाद वो हमारे BMC में चला जाता है। तो BMC में जाके वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर बैक्टीरिया जनरेट नहीं हो पाते। क्योंकि जब दूध हम एल्ड करते हैं, निकालते हैं, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे होता है, जो भी बॉडी टेम्परेचर रहता है उस समय का, तो उस पर रहता है। तो हमें उसको ठंडा करना होता है एकदम से तुरंत, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया जनरेट ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। क्योंकि जो भी हम मिल्क यहाँ पर अभी निकाल रहे हैं, उनका सुपर मार्केट भेजेंगे, तो हो सकता है कंज्यूमर भी उसको अगले 2 दिन तक यूज़ करे, तो वो अगले 2-3 दिन तक ना फटे। तो इसलिए उसको हमें एकदम से ठंडा करना पड़ता है। लेकिन उस पर भी डिपेंड ये रहता है कि अगर उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो दूध सही रहेगा। अगर 8 डिग्री सेल्सियस से ग्रो होगा मार्केट में जाके तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिल्क प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है, ठीक। और गाइस देख लो यहाँ पे बहुत सारे मतलब एंटिक पीस ट्रैक्टर्स रखे गए हैं, जो कि मतलब शो के लिए दिखाने के लिए रखा गया है, जो 60s की है, 70s की, पता नहीं मुझे कब की है सारे ट्रैक्टर। देख लो ये भाई, देखो इसके टायर, बैक टायर जो कितने पतले हैं, ऐसा मतलब BT3 ऐसा मॉडल नंबर है, जो पता भी नहीं है कौन से कंपनी। पहले बहुत सारी कंपनीज थी जो बनाती थी, अब मे भी इसका ट्रैक्टर भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सच में यूनिक सा लग रहा है। ऐसा ट्रैक्टर आज के डेट में नहीं दिखते हैं। देख लो ये रहे, फिर MC Cosmic कोई ब्रांड है उसका ये ट्रैक्टर है। ये तो मैसी का है जो कि अभी भी आता है, और IMT का भी आता है, छोटा सा ट्रैक्टर है ये, और मतलब तो थोड़ा सा अलग सा सारे ट्रैक्टर लग रहे हैं। IMT का ये भी है, ये भी देख लो, फिर वही सेम कंपनी का है। फिर कॉर्नर पे स्वराज 855, ये ट्रैक्टर तो अभी बहुत सारी जगह दिख जाते हैं। स्कॉट का है जो कि अभी भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पे। फिर एक ये रहा, फिर ईचर का बहुत पुराना मॉडल है। ईचर का अभी भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बट वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है और न्यू मॉडल होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल है। और एक यहाँ फोर्ड का लगा है। अभी आप लोग आजकल फोर्ड का जनरली कार्स ये सब देखते होंगे, बट ट्रैक्टर भी फोर्ड का आता है। और ये मेसी का कोई मॉडल है, बहुत मतलब कलरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मतलब कलर किया गया, बट मे बी ऐसा ही आता होगा, इस पर कलर नहीं किया गया होगा। और ये फिर एक मेसी का है, बहुत सारे अभी मेसी का बहुत सारा ट्रैक्टर है। और फेरगुसन का कोई है, फेरगुसन का भी बहुत सारे ट्रैक्टर्स है। मतलब मे बी मेरा प्रोनंसिएशन सही नहीं हो, कुछ और बोला जाता हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये एक लिटिल ग्रे फ्रिज है, और ये रहा। मिल्क के कंटेनर सारे रखे हुए हैं, बहुत सारे कंटेनर हैं मिल्क रखने के लिए। और इसको प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाता होगा, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसमें ना मिल्क में हो, इसके लिए अच्छे से इसको सैनिटाइज करके सुखाया जा रहा है यहाँ पे।
ये आपको BMC है, बल्क मिल्क चिलर। जो भी आपको मिल्क प्रोड्यूस होता है वो आपको BMC में स्टोर होता है, जो कि आपके सामने देख रहे होंगे। ये आपका सिस्टम है, पैकिंग सिस्टम, उससे आता है ये आपका सर कूलिंग सिस्टम है। ये यहाँ पे कोल्ड किया जाता होगा मिल्क को। ये फैन है जो कि आपको ये अंदर चलते रहता है ताकि अंदर आपको मिल्क आपको ये मूव होते रहे, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। सामने आप ये देख रहे होंगे सिस्टम, इसमें आपको ये टेम्परेचर शो करते रहता है। सर कितना टेम्परेचर दूध का है? इसके अंदर हम लोग आपको 4 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ताकि इसके अंदर आपको ये जो बैक्टीरिया वायरस आपको ये डेवलप नहीं करे, नहीं डेवलप करे। इससे इसका सेल्फ लाइफ आपको इंक्रीज करता है। और गाइस यहाँ पे देख लो कड़कनाथ बहुत सारे हैं, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका मीट भी ब्लैक होता है और एक भी इसका ब्लैक होता है, और ये देख रहे हैं ब्लैक है पूरा। देखो मे भी दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। देख लो गाइस, इसका मीट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और गाइस ये रहा कीमू जो कि चाह रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट हो गया, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। भूख लग गई बहुत ज़्यादा ज़ोर से, क्योंकि सुबह से ही कुछ नहीं खाए थे। लंच तो बना के लाए थे बट बैग में रखा था। हाँ भाई ठीक है गाइस, बाय बाय कल मिलते हैं, बाय। अच्छा ये घर जा रही है, क्रिसमस है तो मैरी बस सेलिब्रेट करने के लिए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गाइस। रूम पे पहुँच गए और आज मैंने चिकन लाया है, तो बहुत दिन हो गया था टेस्टी से अपने हाथ का बनाया हुआ चिकन खाया हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को चिकन ही खाऊँगा। गाइस देख लो चिकन बनने ही वाला है, देखो ये रहा चिकन। और मैं इसके साथ रोटी बनाऊंगा, बताना मैंने रोटी ऐसा बनाया है। देखो बोलोगे कि प्रोफेशनल बावर्ची हूँ मैं, हाँ पहले मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रोटी बनाना आता है, इसलिए बना लेता हूँ गोल गोल अच्छा अच्छा रोटी। तब चिकन ठंडा ना हो जाए उससे पहले खा लेते हैं चिकन को, और फिर खाने के बाद मिलेंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइज, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।